अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केबल ट्रे को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, आप उनको लिखा करें, उनको नोट किया करें, क्योंकि एटलीस्ट अगर ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेते हैं तो आप किसी भी जगह एज इलेक्ट्रिकल QC या इंस्ट्रूमेंट QC का इंटरव्यू आसानी के साथ पास कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन क्या है कि इनमें से मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर आपको बता रहा हूँ, और इंटरव्यूज़ के अंदर ही ज़्यादातर जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो वाले ज़्यादातर मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केबल ट्रे। केबल ट्रे, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल QC केबल ट्रे इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट QC यानी कि इंस्ट्रूमेंट केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, टेलीकॉम केबल्स, तमाम केबल्स के लिए केबल ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है। तो केबल ट्रे का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो आप यहाँ देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा है मैंने पहले ही कि नीमा VE1 और नीमा VE2 ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। नीमा VE1 यानी कि केबल ट्रे कैसे डिज़ाइन कैसे होती है, तो एज ए इलेक्ट्रिकल QC या इंस्ट्रूमेंट QC आपको डिज़ाइन पे तो जाना नहीं है, लिहाजा जस्ट आपके जहन में रहना चाहिए कि नीमा VE1 डिज़ाइन के लिए है, कि ट्रे को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। नीमा VE2 इंस्टॉलेशन के लिए, नीमा VE2 जो है ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट QC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको केबल ट्रे की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, केबल ट्रे में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा, सपोर्ट्स को कैसे कौन सी यूज़ करेंगे, कौन सा मटेरियल किस एरिया में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हज़र्ड्स एरिया होती हैं, ठीक है, क्लासिफाइड एरिया होते हैं और नॉन क्लासिफाइड एरिया, तो वहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल से बनी हुई केबल ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मटेरियल जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, कार्बन स्टील गैल्वेनाइज्ड और फाइबर ग्लास, ये वाले मटेरियल की हम केबल ट्रे इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम क्योंकि थोड़ा इसका जो वेट होता है वो कम होता है, तो ज़्यादातर प्लांट के अंदर यहाँ पे सऊदी अरामको के प्लांट्स जो हैं या साबिक के जो हैं, यहाँ पे ज़्यादातर एल्युमिनियम इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसको कार्बन स्टील गैल्वेनाइज यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन स्टील हो गया या SS की होगी, वो थोड़ी हैवी होती है, उसको इंस्टॉलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो ज़्यादातर इस्तेमाल कौन सी की जाती है, एल्युमिनियम की। फाइबर ग्लास की केबल ट्रे कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूजिव इन्वायरमेंट होता है, यानी कि आप ये समझ लें पोर्ट वगैरह हो गई, या ऑफशोर पे ज़्यादातर जो बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे ऑफशोर, क्योंकि ज़ाहिर है नमी ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी किसी भी मेटल को जंग वगैरह लगने का अंदेशा रहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वहाँ पे हम फाइबर ग्लास इस्तेमाल करते हैं। जिस जगह पे फायर का हज़र्ड्स का फायर हज़र्ड का ख़तरा होता है, तो वहाँ पे हम स्टेनलेस स्टील केबल ट्रे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एल्युमिनियम नॉर्मल मतलब एरिया में इस्तेमाल करते हैं, या प्लांट में जैसे कि जोन, डिफरेंट जोन होते हैं, जोन के हिसाब से या क्लासेस के हिसाब से एरिया क्लासिफिकेशन निकाली जाती हैं, तो नॉर्मल एरिया जो हैं नॉन क्लासिफाइड, वहाँ पे हम CS या फिर एल्युमिनियम की केबल ट्रे इस्तेमाल करते हैं। केबल ट्रे के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि अब केबल ट्रे कौन कौन सी होती हैं, मटेरियल आपको पता चल चुका है कि केबल ट्रे का मटेरियल कौन कौन सा है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि केबल ट्रे हमारे पास होती हैं लैडर केबल ट्रे, उसके बाद आपके पास होती है चैनल केबल ट्रे और परफोरेटेड केबल ट्रे। जी, तो लैडर केबल ट्रे, परफोरेटेड केबल ट्रे और सी चैनल, मतलब चैनल केबल ट्रे हम उसको बोल सकते हैं। लैडर ट्रे जो होती है प्राइमरी केबल्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि आप सब स्टेशन से या किसी भी मेन पॉइंट से लेके अपने फील्ड तक 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर या मतलब 200-400 मीटर तक आपने जो भी केबल का फासला तय करवाना है,
तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे लैडर केबल ट्रे। जो आपकी परफोरेटेड ट्रे है, परफोरेटेड केबल ट्रे और चैनल केबल ट्रे, ये सेकेंडरी इस्तेमाल के लिए होती है। यानी कि फील्ड के अंदर कोई जंक्शन बॉक्स लग गया है, जंक्शन बॉक्स लगने के बाद आप उसको आपने मोटर तक लेके जानी है या किसी इंस्ट्रूमेंट तक लेके जानी है, तो आप चैनल केबल ट्रे का इस्तेमाल करते हैं या परफोरेटेड केबल ट्रे को इस्तेमाल करते हैं। बाज दफ़ा हम लैडर केबल ट्रे को सेकेंडरी केबल ट्रे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में श्योर है कि लैडर केबल ट्रे रहेगी। अब लैडर केबल ट्रे यहाँ पे जो उसकी लेंथ इस्तेमाल होती है वो होती है 3 मीटर, और 6 मीटर, ये दो इनकी लेंथ इस्तेमाल होती हैं, 3 मीटर की लेंथ और 6 मीटर की लेंथ। बाज़ एरिया पे जहाँ पे लॉन्ग रूट लेके जाना है वहाँ पे ज़्यादातर 6 मीटर की इस्तेमाल की जाती है केबल ट्रे, लेकिन थोड़ा एरिया है या सेकेंडरी पे यूज़ कर रहे हैं तो 3 मीटर वाली केबल ट्रे भी इस्तेमाल करते हैं। अब इनके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं विड्थ के हिसाब से और इनकी डेप्थ के हिसाब से। तो विड्थ के हिसाब से 150 mm, 225, 300, 450, 500, 600, 900 mm तक लैडर केबल ट्रे को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह परफोरेटेड केबल ट्रे है वो 300 से स्टार्ट होती है, 150 है, 225 की भी होती है, 50 mm की भी होती है उनकी जो विड्थ, तो उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इनकी डिफरेंट मतलब लेंथ है और डिफरेंट इनकी विड्थ है। तो लैडर केबल ट्रे का जो मेन रंग, जैसे कि अगर आप ज़्यादा देखेंगे आपको गूगल में या यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि ट्रे लैडर केबल ट्रे कौन सी होती है, अगर आपने नहीं वो देखी, और परफोरेटेड केबल ट्रे कौन सी होती हैं, तो आपको वहाँ से आप उनकी तस्वीरें डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनकी स्पोर्ट कैसे लगाई जाती है, यानी कि इनको जाहिर है 3 मीटर की है तो हमने 400 मीटर 300 मीटर लेके जाना है तो आपस में जॉइंट करके लेके जाना है, या 6 मीटर की है तो जॉइंट कैसे करते हैं, उसके लिए कौन से इस्तेमाल की जाती हैं, सप्लाई प्लेट जैसे होती हैं, ये हार्डवेयर मतलब हम उसके लिए कौन से यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर SS में, CS में या गैलोनाइज है तो गैलोनाइज हार्डवेयर यूज़ करेंगे, CSS, SS और एल्युमिनियम, इसमें हम यूज़ करेंगे SS के सारे हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं। स्प्रिंग वॉशर, फ्लैट वॉशर, नट, बोल्ट। आपको कोई भी स्प्रिंग वॉशर, फ्लैट वॉशर, नट और बोल्ट, ये हार्डवेयर ज़रूरी हैं इसकी सप्लाई प्लेट को, इनको आपस में ट्रे टू ट्रे जॉइंट करने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि ये मतलब एक ट्रे ये है आपकी, ये सपोज 6 मीटर की ट्रे है और एक 6 मीटर की ट्रे ये है, तो ये इन दोनों को आपस में हम इस तरह सप्लाई प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक अलग से पिक्चर बनाई है कि सप्लाई प्लेट इस तरह की होती है, तो इस तरह सप्लाई प्लेट लगाएंगे। सप्लाई प्लेट लगाने के बाद इनको आपस में ज्वाइंट करते जाएंगे। अब नट और बोल्ट का इस्तेमाल किस तरह करना है, स्प्रिंग वॉशर, फ्लैट वॉशर कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, तो वो याद रखें जो बोल्ट है, बोल्ट सपोज आपका इस तरह होता है, ये उसका हेड है, थ्रेडेड बोल्ट होगा, तो ये जो हेड है ये ट्रे के अंदर साइड पे होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेड है, बोल्ट इस तरह बाहर निकला होना चाहिए। स्प्रिंग वॉशर, फ्लैट वॉशर और नट हम यहाँ पे बाहर की तरफ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर इसका मुंह अंदर की तरफ होगा तो जब हम केबल पुल करेंगे इसके अंदर उसको डैमेज होने का खतरा है। तो क्या करेंगे, कहीं भी आपने नट और बोल्ट का इस्तेमाल कहाँ होगा कि उसका नट का हेड ट्रे के अंदर साइड होगा और उसके बाहर होना चाहिए आपका थ्रेड वाला एरिया, और नट बाहर लगना चाहिए। स्प्रिंग वॉशर, फ्लैट वॉशर इसका इस्तेमाल करेंगे। इन सब का इस्तेमाल करने के बाद इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये ट्रे बनी हुई है तो इसमें हम ग्राउंडिंग जंपर,
जिसको हम बाउंडिंग जंपर यहाँ पे कहते हैं। तो बाउंडिंग जंपर का इस्तेमाल करते हैं जब भी आप ज्वाइंट करेंगे ट्रे को। आजकल सप्लाईज इसके ऑलमोस्ट हर नीमा V2 में आप जाएंगे वहां पे एक टेबल है। टेबल के अंदर आपको दिया होगा कि जैसे नॉर्मल मैंने आपको बताया यहाँ ज्यादा एल्यूमिनियम की केबल ट्रे इस्तेमाल की जाती है, तो उसके हिसाब से बात करेंगे। आउटडोर यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 56 डिग्री लिया जाता है, तो 56 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से आपको एल्यूमिनियम की केबल ट्रे हर 20 मीटर के बाद आपको एक्सपेंशन ज्वाइंट लगाना है। हर 6 मीटर बाद तो आप ये स्प्लाइस प्लेट लगाएंगे। अब क्योंकि 6 मीटर ये हो गया 6 12, इसके आगे जो ट्रे लगेगी वो 18 के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड आपको बोलता है 20 मीटर तो ये आपके मैक्सिमम पॉइंट होता है, इसलिए अब ट्रे 20 मीटर हो नहीं सकती। 4 लगाएंगे 24 हो जाएगी, 3 लगाएंगे 18। स्टैंडर्ड हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 मीटर के बाद एक्सपेंशन ज्वाइंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या दिया है 20 मीटर के बाद यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि अगर हम चौथी ट्रे लगाते हैं तो वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा पीछे आएंगे। 18 मीटर के बाद एक्सपेंशन ज्वाइंट लगेगा। एक्सपेंशन ज्वाइंट जो उसकी प्लेट होगी वो थोड़ी इस तरह होगी, जैसे ये है, उसके होल का साइज 25 mm होगा। उसकी रीजन क्या है कि जैसे आपने सुना होगा गर्मी ज्यादा हो जाती है तो गर्मी के अंदर कोई भी मेटल है वो एक्सपेंड होता है, तो एक्सपेंड होने के लिए क्योंकि अगर आप इसको तमाम ट्रे को एक ही साथ फिक्स कर देंगे एक्सपेंड होगा, ये फिक्स सप्लाइज पॉइंट होते हैं तो ये टेढ़ी हो जाएगी। तो हर 18 मीटर के बाद आप क्या करेंगे कि एक्सपेंशन प्लेट इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ये सबसे ज्यादा मतलब ट्रे का जो है एक्सपेंशन पॉइंट कितने मीटर बाद आएगा, स्टैंडर्ड के मुताबिक 20 मीटर के बाद आना चाहिए। उसके बाद आपने क्या बताना है कि उसके होल का साइज कितना होगा, 25 mm उसके होल का साइज है। इसके लिए जो हार्डवेयर मतलब इसके नट बोल्ट और वाशर्स वगैरह यूज की जाती हैं वो याद रखें, उनके ऊपर एक इंसुलेशन होती है रबड़ इंसुलेशन, तो वो वाले हार्डवेयर इस्तेमाल करेंगे। रबड़ इंसुलेटेड नट बोल्ट और वाशर्स इस्तेमाल करते हैं। तो हर 18 मीटर के बाद एज पर स्टैंडर्ड 20 मीटर। अगर आप SS में जाएंगे, फाइबर ग्लास में जाएंगे, तो उनका उस मटेरियल के हिसाब से डिफरेंट है वो। आपको अगर नीमा V2 को एक मरतबा खोलेंगे तो वहाँ एक टेबल है, उस टेबल के अंदर तमाम मटेरियल के हिसाब से उनके एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में बताया हुआ विद टेम्परेचर। तो क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर एल्युमिनियम की केबल ट्रे होती है और 56 डिग्री आउटडोर इस्तेमाल टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं, तो इसलिए मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसके बाद आपका सबसे मेन और पॉइंट होता है कि आपने सपोर्ट जो देनी है, तो सपोर्ट कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे केबल ट्रे में, आपने सपोर्ट कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, इसको एज पर स्टैंडर्ड जो हमें बताया जाता है कि इसको सपोर्ट कहाँ पे, तो इस केबल ट्रे के हर क्वार्टर पॉइंट पे हम सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, हर क्वार्टर पॉइंट, एवरी क्वार्टर पॉइंट। अब अगर यहाँ पे आपका केबल ट्रे सपोज ये एंड हो रहा है, आप ये देख रहे हैं यहाँ से केबल किसी मोटर को चलेगी, किसी इंस्ट्रूमेंट को चलेगी, तो अगर ये 6 मीटर की केबल ट्रे है इसमें आपने इसके 300-900 बिटवीन पहले सपोर्ट देंगे, ये आपकी सपोर्ट है। उसके बाद वो कहता है आपको केबल ट्रे के हर क्वार्टर पॉइंट, इसका क्वार्टर पॉइंट क्योंकि 1.4 मीटर तकरीबन बनेगा, तो अगर आप इसके 1.4 मीटर आप देंगे एवरी क्वार्टर पॉइंट। अगर 3 मीटर है तो उसका 900 mm बन जाएगा, तो आप 900 पे पहली सपोर्ट देंगे इस ट्रे सेकंड, उसके बाद अगले 900 पे। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, हॉरिजॉन्टल में आप हर सपोर्ट केबल ट्रे के हर क्वार्टर पॉइंट पे, हर क्वार्टर पॉइंट मतलब 6 मीटर है तो 1.4 मीटर होगा, और अगर आपकी 3 मीटर की केबल ट्रे है तो 900 mm पे आप केबल ट्रे को सपोर्ट करते जाएंगे। सपोर्ट करने के साथ आपको कौन से क्लैंप यूज करने हैं,
तो अगर फिक्स्ड सप्लाई प्लेट आएगी उसमें आपने फिक्स्ड क्लैंप इस्तेमाल करेंगे ताकि वो वहां पे केबल ट्रे को सपोर्ट के पकड़ के रखेगी। जहां पे आपका एक्सपेंशन जॉइंट आएगा वहां पे आपने गाइडेड क्लैंप यूज करनी है। गाइडेड क्लैंप क्या है कि वो केबल ट्रे को फिक्स नहीं करेंगे, वहां पे पकड़ेंगे नहीं, सिर्फ आप उसको नीचे गिरने से इधर उधर मूव करने से बचाएंगे, लेकिन इस तरफ वो मूवेबल रहेगी, इस तरफ और इस तरफ केबल ट्रे को नहीं जाने दिया जाएगा। गाइडेड क्लैंप इनको बोलते हैं। इस तरफ वो मूव कर सकती है, इस तरफ केबल ट्रे मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टल एरिया में, तो इशू नहीं है। ठीक है जी, इसका सबसे मेन पॉइंट वही है कि केबल ट्रे को सपोर्ट आप कितने मीटर पे देते हैं। तो केबल ट्रे को सपोर्ट आपने एवरी क्वार्टर पॉइंट पे सपोर्ट करना है। केबल ट्रे इंस्टॉलेशन का सबसे मेन क्या है कि अगर आप आउटडोर लगा रहे हैं केबल ट्रे, आउटडोर आपने केबल ट्रे लगाई है तो आप जमीन से मिनिमम फ्रॉम ग्राउंड 2.67 मीटर अबव होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि केबल ट्रे अगर आप लगा रहे हैं किसी पाइप रैक एरिया में तो वो जमीन से उसका अबव ग्राउंड वो कितना होना चाहिए ताकि कोई व्हीकल एंट्री या कहीं से रोड क्रॉसिंग हो रही है, तो मिनिमम 2.67 मीटर है। उसके बाद ट्रे टू ट्रे जो आपका फासला होता है हॉरिजॉन्टल में वो 200 mm डिस्टेंस, अगर यहाँ पे एक ट्रे आ जाती है उसका 200 mm डिस्टेंस रहना चाहिए। इसके अबव अगर ऊपर ट्रे आ रही है, इसके अबव ऊपर मतलब है या नीचे, तो वो 300 mm डिस्टेंस होना चाहिए। किसी भी ट्रे टू ट्रे का आपस में फासला 300 mm होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको हम 200 कर सकते हैं ट्रे के। इसके बाद हम जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं चीजें, ठीक है जी। उसके बाद अगर केबल ट्रे को हम इस केबल ट्रे सिस्टम को हम इंस्टॉल कर रहे हैं सबस्टेशन के अंदर, तो सबस्टेशन में जो पहली केबल ट्रे इस्तेमाल होगी जाहिर है ग्राउंड से तो वो इतनी होनी ही चाहिए, लेकिन वो छत से 460 mm छत से डाउन होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी रूफ है। फिर उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी उस इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए हमें मतलब 300 और 200 के गैप को मेंटेन रखना है। अब इसके अंदर मेन इम्पोर्टेंट क्या है जी कि आपको बॉन्डिंग करना है। आपको हर सप्लाई प्लेट या एक्सपेंशन पॉइंट को आप ग्राउंड करते हैं तो ये ग्राउंडिंग कंडक्टर का साइज आपका कितना होना चाहिए, 25 mm मिनिमम होना चाहिए आपके ग्राउंडिंग कंडक्टर का साइज। 25 मिनिमम आपका ग्राउंडिंग कंडक्टर साइज होने के बाद एक चीज सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जब आप ये ट्रे आपकी यहाँ पे एंड हो रही है, ये सप्लाई प्लेट है, सप्लाई प्लेट के एज से लेके जहां पे आपने होल होगा करना है ट्रे के अंदर ग्राउंडिंग केबल को कनेक्ट करने के लिए, उसका लग्स लगाने के लिए, वो मिनिमम 50 mm का फासला आना चाहिए। 50 mm मतलब आपका होल इस तरफ और 50 इस तरफ होना चाहिए। तो ये चीजें मतलब जहन में रखें, इंटरव्यूज के अंदर यही ज्यादातर क्वेश्चन किए जाते हैं कि 50 mm आपका सप्लाई प्लेट के एज से, ट्रे के एज से नहीं। और ग्राउंडिंग कंडक्टर का साइज जो हमने करना है, इसको बॉन्डिंग बेसिकली बोलते हैं, वो 25 mm हर जगह आपने बॉन्डिंग जो भी करनी है वो 25 mm करेंगे ग्राउंडिंग केबल के लिए। उसके बाद हर 20 मीटर के बाद इसको मेन ग्रिड के साथ आपकी जो मेन ग्राउंडिंग पॉइंट होगा हर 20 मीटर के बाद इसको कनेक्टेड होना चाहिए ट्रे को। हर 20 मीटर के बाद आपकी केबल ट्रे कनेक्टेड होगी मेन ग्राउंडिंग पॉइंट के साथ। उसके अलावा हम इसमें से इसको जब वर्टिकल इस्तेमाल करेंगे केबल ट्रे को, तो वर्टिकल में हम इसको दोनों साइड पे कवर लगाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाली साइड पे केबल ट्रे का कवर लगाया जाएगा, क्योंकि नीचे तो जाहिर है पानी या कुछ इस तरह रोशनी इफेक्ट नहीं करेगी। अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको बोथ साइड पे कवर लगाया जाएगा। तो कवर पे डिस्कस करते हैं और इसके बाद सपोर्ट पे।
इसके कवर कौन कौन से होते हैं और सपोर्ट कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। केबल ट्रे का कवर, केबल ट्रे के कवर होते हैं जी तीन किस्म के एज पर नीमा VE2। सॉलिड कवर होता है, सॉलिड मीन के बिल्कुल फ्लैट चादर टाइप, मिनिमम थिकनेस 1 mm उसकी मटेरियल की होनी चाहिए और कवर उसके केबल ट्रे के ऊपर लगेगा तो सॉलिड कवर होता है, वेंटिलेटेड होता है और पीक फ्लैंच कवर होता है। तो नीमा VE2 आप खोलेंगे वहाँ पे इनकी तस्वीरें और सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको मैंने जैसे पहले बताया कि कवर को हम इस्तेमाल करेंगे वर्टिकल होगा तो केबल ट्रे होगी तो बोथ हैंड, अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो ओनली वन साइड आउटडोर के लिए। अब जाहिर है कि अगर सबस्टेशन के अंदर केबल ट्रे लगी हुई है तो हॉरिजॉन्टल भी कवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कोई रोशनी का, टेम्परेचर का और बारिश का तो चांस नहीं है। या दीवार के साथ अब अगर वर्टिकल है तो हम उसको जस्ट फ्रंट से कवर कर देंगे केबलों को, दीवार के साथ अगर लगी हुई है क्योंकि बैक साइड तो वो दीवार के साथ ऑटोमेटिकली कवर्ड हो चुकी है। ये मतलब हम आउटडोर मतलब प्लांट प्रोसेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके अंदर स्पोर्ट जो इस्तेमाल होती है, डिफरेंट स्पोर्ट है, ज़ाहिर है थ्रेडेड रॉड लगा के उसके बाद आपका यूनिस्ट्रट चैनल होता है उसके साथ स्पोर्ट बना के इनको हैंग किया जा सकता है। अगर ज़मीन के ऊपर लगानी है तो आपका जो यूनिस्ट्रट चैनल होता है उसकी एंगल बना के या डिफरेंट किस्म की सपोर्ट लगाई जा सकती है, स्ट्रक्चर के साथ आप एंगल को वेल्ड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कौन से इस्तेमाल होते हैं, एंगल सपोर्ट इस्तेमाल होती है, कैंटिलीवर दीवार के साथ अगर आपने कोई ट्रे लगानी है परफोरेटेड टाइप केबल ट्रे आपने लगानी है, या इसी तरह आप थ्रेडेड रॉड है यानी कि हैंग करनी है, गेस्ट कैंटिलीवर इस्तेमाल होता है, एलिवेटर स्ट्रट टाइप सपोर्ट और भी है वो आपको नीमा VE2 के अंदर मिल जाएंगी। तो एटलीस्ट आपको 3-4 सपोर्ट याद होनी चाहिए इनकेस अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी सपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अब लैडर ट्रे केबल ट्रे है इसके अंदर या आपकी परफोरेटेड केबल ट्रे, इसके अंदर जब हम केबल को ले कर देते हैं, पुल कर देते हैं, तो इनको जाहिर है एज पर स्टैंडर्ड हमें केबल ट्रे को 20% स्पेयर रखना है। बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केबल ट्रे को हम कितना फिल कर सकते हैं, तो आपको केबल ट्रे की विड्थ डेप्थ के हिसाब से आपको 20% स्पेयर रखना है ताकि इन फ्यूचर अगर वहाँ से कोई और केबल लानी पड़े तो नई ट्रे ना लगानी पड़े, तो 20% केबल ट्रे आपकी स्पेयर रहेगी। केबल ट्रे डालने के बाद वर्टिकल हम उसे हर 18 इंच के बाद केबल टाई का इस्तेमाल करेंगे। केबल टाई PVC होती है और स्टेनलेस स्टील PVC कोटेड। आउटडोर जाहिर है PVC लगाएंगे तो टेम्परेचर वो हाई होने की वजह से PVC कुछ अरसे के बाद ब्रेक हो जाएगा, तो वहाँ पे कौन से इस्तेमाल करेंगे, स्टेनलेस स्टील की लेकिन वो PVC कोटेड हो ताकि वो हमारी कोई केबल किसी को डैमेज ना कर सके। इनडोर हम क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इशू नहीं है तो वहाँ हम PVC केबल टाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम कवर लगाएंगे, ये कवर लगाने के बाद आप केबल टाई के साथ, अगर बड़ी केबल टाई है उसके साथ स्टेनलेस स्टील की या सट्रैप, इसको उसके ट्रे को बांधेंगे। तो इसको हर 1/2 मीटर के बाद हमें ट्रे के कवर को स्ट्रैप करना है या केबल टाई के साथ उसको बांधना है, तो इस तरह वो ट्रे का कवर महफूज रहेगा। अब इलेक्ट्रिकल हो QC या इंस्ट्रूमेंट QC इसमें या टेलीकॉम, केबल ट्रे एक जनरल स्टैंडर्ड है जो तीनों क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी सिर्फ 3 मेन इंस्पेक्शनें होती हैं। केबल ट्रे जो आप जब आप मटेरियल रिसीविंग करेंगे, मटेरियल रिसीविंग में आप उसको चेक करेंगे हर केबल ट्रे के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग नेम, यानी कि उसकी पूरी ट्रेसबिलिटी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर कौन सा है, कौन सी ट्रे है, क्या साइज़ है, क्या ये उसके ऊपर कौन सी चीज़ है, किस मटेरियल से बनाई गई है, उसकी डेप्थ कितनी है, वो एक ट्रेसबिलिटी पूरा स्टिकर हर ट्रे के ऊपर रहना चाहिए। एवरी ट्रे मतलब हर 3 मीटर की है या 6 मीटर की है। उसके बाद आप पहली इंस्पेक्शन मटेरियल रिसीविंग अगर कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी इंस्पेक्शन होगी प्रिजर्वेशन, केबल ट्रे को आपने कहाँ पे प्रिजर्व करना है। तो केबल ट्रे जाहिर है आप जमीन ग्राउंड पे आप उसको टच नहीं कर सकते, उसके नीचे जाहिर है आपको कुछ लकड़ी रखनी है उसके मतलब किसी भी किस्म की, और ट्रे को आपस में
एक दूसरे के ऊपर रख के प्रॉपर बांध के रखना है, और उसको अगर आप वो आउटसाइड पड़ी है जाहिर है, अगर बाहर पड़ी है तो डस्ट होगी, यहाँ पे जैसे सैंड बहुत ज्यादा होती है, सैंड स्टॉर्म भी आते रहते हैं, तो क्रूजन से बचाने के लिए फिर उसको आप रैप करके रखेंगे, या वो एरिया कवर्ड होना चाहिए एटलीस्ट किसी ब्लैंकेट से, या ट्रे को आप प्लास्टिक के साथ उसको प्रॉपर कवर करके रखें, प्रिजर्व करें एक अच्छी जगह पे। तो ये प्रिजर्वेशन की दूसरी RFI, और तीसरी इंस्पेक्शन जो आप डालते हैं वो इंस्टॉलेशन की। इसके बाद ट्रे का काम खत्म, इलेक्ट्रिकल किसी हो, इंस्ट्रूमेंट हो या टेलीकॉम, तीन इंस्पेक्शन होती हैं, मटेरियल रिसीविंग, प्रिजर्वेशन और तीसरी इंस्टॉलेशन। तो मटेरियल रिसीविंग हम जैसे कि लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, NMR, PO, डिलीवरी नोट, उसकी MTO क्या साइज दिया हुआ है MTO के अंदर, और उसके बाद इसके टेस्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि गैल्वनाइज्ड है तो गैल्वनाइज हुई हुई है, अगर वो स्टेनलेस स्टील की है तो कौन सा स्टेनलेस स्टील, क्या मटेरियल है, एलुमिनियम की है तो वो एलुमिनियम की, हम जो भी उसकी सर्टिफिकेट्स टेस्ट सर्टिफिकेट्स होंगे वो साथ अटैच करेंगे, और ड्राइंग के कहाँ पे इसको इंस्टॉलेशन किया जा रहा है जो उसकी लेआउट ड्राइंग होगी। तो यही हमारा टॉपिक था आज का, नीमा VE2 रिलेटेड, यानी कि इंस्टॉलेशन के। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर यहाँ पे कोई आपके कोई चीज़ रह गई है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। थैंक यू।